हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस अंतिमा लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है छठ पूजा। सो छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये है मेरी छोटी बहन, हेलो बोल दो। हेलो। तो अभी हम जाने वाले हैं घाट पे, तो मैं उसका ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सर लग रहा है आज का मेरा लुक, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये दौरा लिए हैं मेरे भैया। हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे छठ पूजा के लिए। तो ये दौरा लिया है मेरे भैया ने और चाचा जी भी लेंगे। अरे मैं यहाँ पे रेडी होके थोड़ा सा फोटो सेशन करा रही थी, थोड़ा बहुत अपने से ही सेल्फी ले रही थी कि पता नहीं घाट से आने के बाद थोड़ा बहुत मेकअप खराब हो जाएगा ना, तो वहीं सब चल रहा था मेरा। तो यहाँ पे फाइनली हम घाट पे पहुँच गए, बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मज़ा आता है जाने में छठ घाट पे। मैं मिलाने जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर से, अर्चना से, मेरे चाचा जी की बेटी जिसको मैंने कैमरामैन बना दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को कैमरामैन बनाया था। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं, इनकी वजह से ना कितनों के कपड़े जल जाते हैं, पर ये मानती नहीं है। तो अर्चना बताओ, फर्स्ट टाइम कैमरामैन बन के कैसा लग रहा था जब तुम वीडियो शूट करी थी? बोलो। ठीक लग रहा था, नहीं कुछ प्रॉब्लम था। और ये मैं अपने गांव के मंदिर में गई हूँ पूजा करने, मैं और पापा जी। हर साल छठ के टाइम हम प्रसाद चढ़ाते हैं, बाकी टाइम तो हमें टाइम मिलता नहीं है, बट इस टाइम हम पूजा ज़रूर करते हैं साल में एक बार हम मिलके, मैं और पापा जी। तो ये मंदिर है हमारा गांव का छोटा सा, यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। Thank you.
और यहाँ मेरी तारीफ हो रही है। और ये रहा हमारा छठ घाट का सीन। मैं बता दूँ हमारे गांव में बहुत से दो तीन गांव से छठ करने के लिए इसी घाट पे आते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग पंडाल बनते हैं। तो वहीं मैं घूमने गई थी, मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। तो ये रहा, तीन पंडाल बनते हैं अलग अलग और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है तीनों में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो मैं इधर से उधर घूम रही थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ में गई थी, बट उनको कैमरा भी नहीं आना था ना, तो इसलिए मैंने बोला आगे आगे चलो, मैं आराम से वीडियो बनाते हुए पीछे से आती हूँ। तो हम साथ ही में थे, अकेले नहीं जा रही थी मैं। छोटी नानी छठ के और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये छठ पूजा का ब्लॉग पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आने वाला है। सो आप उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे ना मैं वो प्रसाद डाल रही हूँ, सबके दौरी बोलते हैं उसमें डालते हैं। तो ये ना मुझे बचपन में बहुत मज़ा आता था करने में, मैं सोचती थी कितना अच्छा लगता है ना करने में, बट बाद में पता चला कि इसका करने का क्या महत्व होता। तो मैं हर साल ये प्रसाद बांटती हूँ। बस छठी मैया से यही प्रार्थना रहता है कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बनाए रखें और हम वो सब कुछ पा सकें जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। छठ पूजा से आ चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, एंड देन उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि माँ और चाची जी तो भूखी हुई हैं, वो तो नहीं खाएंगे, बाकी सब तो खाएंगे ना। तो अभी ये काम करना है मुझे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।